Hello friends, welcome to our YouTube channel. Welcome to Best English Classes. मैं हूँ प्रतीक तंवर. इस YouTube चैनल में हम लोग बहुत सारी पोएम्स और नॉवेल्स को हिंदी में समझाते हैं. यदि आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब. आज हम डिस्कस कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी पोएम द टेबल्स टर्न्ड. विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पॉइट हैं और यहाँ पर भी नेचर की ही बात हो रही है. आइए बढ़ते हैं पहले स्टैंजा की तरफ. अप अप माई फ्रेंड, उठो उठो मेरे दोस्त, एंड क्विट योर बुक्स, और त्याग दो अपनी किताबें, और श्योरली यू विल ग्रो डबल, वरना पक्के से तुम दुगने हो जाओगे, यानी मोटे हो जाओगे. अप अप माई फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक्स, उठो उठो मेरे दोस्त, और अपने चेहरे से ये तनाव ये शिकन हटा दो. वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, क्यों इतना संघर्ष और मुसीबत. तो यहाँ पे ओवरऑल क्या बात हो रही है, ये अपने दोस्त को कह रहे हैं कि किताबें वगैरह पढ़ना छोड़ो और प्रकृति के पास जाओ, नेचर के पास जाओ, वहीं पर असली ज्ञान है, पढ़ पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा. नेक्स्ट स्टैंजा है, द सन अबव द माउंटेन्स हेड, पर्वतों के सिर पर यानी शिखर पर सूरज अब आ गया है, उससे भी ऊपर निकल गया है. अ फ्रेशनिंग लस्टर मेलो, एक ताज़ी चमक है, मेलो यानी मधुर. थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज स्प्रेड, लंबे लंबे हरे घास के मैदानों पर फैल गई है वो चमक. हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, उसकी पहली प्यारी शाम पीली पीली सी है, यानी शाम का वक्त है तो सूरज की रोशनी पीली पीली सी है. बुक्स, टिस अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ, किताबें ये हैं एकदम बोझिल और कभी ना ख़त्म होने वाला संघर्ष. स्ट्राइफ यानी संघर्ष. कम आओ, हियर द वुडलैंड लिनेट, सुनो वुडलैंड लिनेट को. ये एक पक्षी का नाम है जिसकी पिक्चर मैं अभी आपको दिखाऊंगा. हाउ स्वीट हिज म्यूज़िक, कितना मधुर है इसका संगीत. ऑन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में. देयर इज़ मोर ऑफ विजडम इन इट, इसमें ही अधिक ज्ञान है, विजडम है, बुद्धिमता है. ये देखिए आप, ये पिक्चर है वुडलैंड लिनेट का. तो ये कह रहा है छोड़ो उन किताबों को, कभी ख़त्म नहीं होने वाला संघर्ष है, आओ और सुनो इस प्यारे पक्षी को, कितना मधुर इसका संगीत है, इसी में असली ज्ञान है. आगे एंड हार्क, ये नेक्स्ट स्टैंजा है. टोटल 8 स्टैंजाज हैं हमारे, ओके, सभी क्वार्टरेट्स हैं. एंड हार्क, हाउ ब्लिथ द थ्रॉसल सिंग्स, और ठहरो सुनो कितना प्यारा थ्रॉसल गाता है. थ्रॉसल भी एक पक्षी है, अभी आपको उसकी पिक्चर दिखाऊंगा. ही टू, वो भी है, इज़ नो मीन प्रीचर. प्रीचर का अर्थ होता है उपदेश देने वाला, ज्ञानी. तो ये कह रहा है वो पक्षी भी कोई कम प्रीचर नहीं है, कोई कम ज्ञानी नहीं है, कोई कम उपदेशक नहीं है. कम फॉर्थ इन टू द लाइट ऑफ थिंग्स, आगे आओ, वस्तुओं की रोशनी को देखो या असलियत को जानो. लेट नेचर बी योर टीचर, प्रकृति को अपना अध्यापक बनने दो, अपना शिक्षक बनने दो. ये तस्वीर है थ्रॉसल पक्षी की. शी हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, यहाँ नेचर की बात हो रही है, नेचर को फेमिनाइन बताया गया है. उसके पास दुनिया है, तैयार है दौलत, यानी उसके पास जो दौलत है वो बिल्कुल तैयार है, तुम उसे पालो. अवर माइंड्स एंड हार्ट्स टू ब्लेस, वो हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क और हमारे दिलों को आशीर्वाद देगी. स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथ्ड बाय हेल्थ, हमें स्पॉन्टेनियस बुद्धिमता मिलेगी और साथ में स्वास्थ्य भी मिलेगा. ट्रुथ ब्रीथ्ड बाय चीयरफुलनेस, हमें सत्य की प्राप्ति होगी और साथ में चीयरफुलनेस, आनंद की भी अनुभूति होगी, खुशी भी मिलेगी. वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, एक संवेग वर्नल वुड से, वर्नल का मतलब वसंत ऋतु और वुड यानी जंगल, एक संवेग वहाँ से लो. मे टीच यू मोर ऑफ अ मैन, वो तुम्हें कहीं ज़्यादा सिखाएगा. ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड,
नैतिकता के बारे में, बुराई के बारे में, अच्छाई के बारे में, देन ऑल द सेजेस कैन, जितने सभी साधु मिलकर भी नहीं सिखा सकते हैं उससे ज़्यादा तुम यहाँ सीख लोगे। स्वीट इज़ द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, प्रकृति मधुरता लेकर आती है। लोर का क्या अर्थ होता है? विद्या। तो बड़ा मीठा है ज्ञान जो प्रकृति से मिलता है। अवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, मेडल करने का अर्थ होता है बीच बीच में व्यवधान डालना, डिस्टर्ब करना, इंटरफियर करना, पर हमारी जो बुद्धिमता है वो बीच बीच में इंटरफियर करती है। एंड मिस शेप्स द ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ थिंग्स, और जो वस्तुओं की सुंदरता है उनको मिस शेप कर देती है, ख़राब कर देती है। वी मर्डर टू डिसेक्ट, डिसेक्ट मतलब उसको काटना। तो हम काट काट के चीज़ों के भीतर घुस घुस के देखना चाहते हैं कि उनकी सच्चाई क्या है, इस तरीके से हम उन्हें ख़राब कर देते हैं। इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, बहुत हो गया विज्ञान और कला। क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, बंद कर दो उन बंजर पत्तियों को। यहाँ बंजर, बैरन यानी बंजर, लीव्स यानी पत्तियाँ। बैरन लीव्स किसे कहा है? किताबों को, बुक्स को। कम फॉर्थ, आगे आओ। एंड ब्रिंग विद यू अ हार्ट, और अपने साथ एक दिल लाओ। दैट वॉचेज एंड रिसीव्स, जो देखता है और ग्रहण करता है। बहुत ही बढ़िया पोयम थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर हमारा काम पसंद आता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। लाइक करें या डिसलाइक करें, बट ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा। कोई और भी पोयम या नॉवल आप चाहते हैं तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं जल्दी से जल्दी उसे बनाऊँगा। बाय बाय।